पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला और नगर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह जैन धर्मशाला बाजारगंज में आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने जीएसटी पर सरकार की आलोचना की। मुख्य अतिथि और प्रांतीय महामंत्री राकेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार एक देश एक बाजार और एक कर की बात कर रही है, मगर 28% कर लगाकर जनता और व्यापारियों पर अत्याचार कर रही है। ये कर दर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में जुर्माने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी सही तरीके से लागू हो, विकास में मील का पत्थर बनेगा। प्रांतीय संगठन मंत्री सुधीर मित्तल ने ITC का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने, 60 साल से अधिक के व्यापारियों को पेंशन और जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का 10 लाख तक का बीमे की मांग उठाई है। सम्मान समारोह मुरादाबाद में आयोजित किया गया है। मुरादाबाद में नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल के चुनाव के बाद से सभी जिला व नगर इकाइयों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री, हम लोग घूमकर व्यापारी की समस्याओं का संकलन कर रहे हैं, जिससे हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सामने समस्याओं को रखकर व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का हल करा सकते हैं। आज व्यापारियों के सामने 3-4 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या व्यापारियों के सामने GST को लेकर है। केंद्र सरकार ने GST लगाया, हम GST का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। दुनिया के 162 देशों में GST लगा हुआ है, मगर हिंदुस्तान में जो GST लगाया गया है उन 162 देशों से अलग नया कानून बनाकर GST लगा दिया गया। GST लगने से सरकार का कर बढ़े, देश का हित हो, हमारा देश तरक्की करे, व्यापारी इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मगर GST लगाने के बहाने से व्यापारियों का उत्पीड़न करा जाए, व्यापारियों को जेल भेजा जाए, व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाए, इसके लिए व्यापार मंडल तैयार नहीं है। GST जब से लगा है 72 है। हम GST का विरोध नहीं कर रहे, जैसे अभी माननीय लोकेश जी ने कहा, आदरणीय लोकेश जी ने, कि हम GST का कोई विरोध नहीं कर रहे। जो इसके अंदर विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर होनी चाहिए। वो विसंगतियां दूर हो जाती हैं तो कोई भी व्यापारी व्यापार करने में सक्षम होगा। और उसके साथ साथ ना ऐसा कोई व्यापारी है कि उसको लागू ना कराए, क्यों? उसको माल लाने ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा, कहीं के अंदर किसी भी शहर के अंदर पहुंचाना या दूसरे प्रांत तक पहुंचाना कोई दिक्कत का काम नहीं रहेगा। यदि एक टैक्स एक दर रहेगी तो पूरे प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश के अंदर व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा गवर्नमेंट से केवल यही कहना है कि व्यापारी समाज के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देंगे उतना ही टैक्स मिलेगा, टैक्स बढ़ेगा, जिससे देश बढ़ेगा, देश की खुशहाली होगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी की खुशहाली होगी। इसके अलावा हमने शहर के 7-10 ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया है जो अपने अपने क्षेत्र में एक वजूद रखते हैं, जैसे कि एक श्री स्वामी जी धीरथानदास जी हैं, एक उनका सम्मान किया है, एक एडवोकेट आदर्श श्रीवास्तव जी हैं जो इस बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन 12 के लिए लड़ रहे हैं, उनका मान सम्मान किया है, एक आनंद मोहन गुप्ता जी हैं, इस टाइम वो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं 12 के, और इसके अलावा श्रीमती शोभना गुप्ता जी हैं जो एक NGO चलाती हैं, जहाँ 26 बच्चे आज की तारीख में 0 साल से लेकर 10 साल तक के वहाँ रहते हैं, उनकी 7 दिन सेवा करती हैं। इसी तरह एक दीपक भाषला जी है जो गौशाला चलाते हैं, और जो गायें दूध देना बंद कर देती हैं, जो गायें अपंग हो जाती हैं, वो उन गायों को ले आते हैं और अपनी गौशालाओं में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसी तरह भांति-भांति हमें 10 लोगों को सम्मानित किया है। और व्यापारी कष्ट की घड़ी में है, GST से परेशानी है व्यापारी को, क्योंकि उसका उपाय सरल नहीं है, बहुत हार्ड है, कई कई रिटर्न जमा करने पड़ते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने वायदा किया था कि एक टैक्स एक देश रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही आज पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट वो काम कर रही है जो हमारे देश में ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे कि चीनी को ले लीजिए, गन्ना हमारे यहाँ बहुत इंडिया में पैदा होता है और चीनी बहुत है, तब भी चीनी पाकिस्तान से निर्यात की गई है, ये गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। व्यापारी को बहुत कष्ट है, और महानगर की समस्या बंदे की भी है कि बंदा आज तक नहीं बना और कलोनियाँ काट दी गई,
बाढ़ में व्यापारी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।